गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो तो फिर जाना है अपनी जिम को। आज अपना डे है 38। यह हमारा हारंगुल स्टेशन का रोड ऐसा हो गया है, अगर ये रोड से तुम 4 महीने भी चलोगे जाओगे ना तो तुम्हारे 6 महीने में तुम्हारे आँखें आ जाएंगी। इतना बेकार धुलला हो गया ना, घर तरफ जाते टाइम अगर मुँह धोना पड़ रहा है, घर से आए वैसे अगर मुँह धो रहा है, इतना पाउडर बैठ रहा है ना मुँह को, पूछो हिम्मत। इसके ऊपर मेरे लगता है कौन सा ही क्रीम अपने को कौन सी क्रीम इस्तेमाल नहीं आएंगी, इतना बेकार धूल है इसको। बरसात चालू है फिर भी इतना धूल है। अबा बाबा तुम खाली दो फिर मैं आके दिखाना ब्यूटी पार्लर वाला कोई भी बहुत बेकार, कहाँ से जाए समझ में नहीं आ रहा। गांव में का रास्ते काम चालू है, उधर का रास्ता बंद है, और इधर का रास्ता है तो ऐसा है बहुत बेकार। आके इतना चर चर कर रहे ना सुबह उठते टाइम, पूछो ही मत, बहुत बेकार हो रहा है। अपना अभी क्या मालूम कब बनने वाला है, बनेगा तो सही है, ये तो जल्दी आके जाएंगे रोड से। अच्छा छोटा सा ऑटो पे जाने दो, इसका धूल उड़ते ही रहता है बरसात के टाइम जैसा, वैसे ही गिरी है इसलिए ये रोड को धूल नहीं उड़ रही। देखो सामने गाड़ी जा रही थी भी, तो ये रोड को भी कुछ कम नहीं है, ये रोड भी एक नंबर है। और थोड़ा थोड़ा बरसात होने की वजह से नमी थोड़ी कम है। देखो अब ये गाड़ी जा रही, धूल नहीं उड़ी। अगर इस जगह नम नहीं रहती थी ना तो मेरा हाल बेहाल होता था, समझ नहीं आ रहा लातूर जाएंगे कैसे, इतना बेकार। प्लस हमारा हारंगुल का रोड था स्टेशन, और ये स्टेशन से निकी बार तक सेम, ये रोड को थोड़ा वो नम गिरने से धूल नहीं आ रही। आपने रोड को नम भी गिरी तो धूल उड़ती, क्योंकि पूरी मट्टी ही मट्टी है रोड को। 6 महीने पहले रोड बना था, 6 महीने भी टिका नहीं वो रोड, क्या मालूम कैसे लोग बनाते क्या नहीं, कम से कम 6 साल तो चलना चाहिए रोड तो बनाओ, बहुत परेशानी हो गई है। अभी भी 6:30 बज रहे हैं, वातावरण देखो कितना बढ़िया है, कभी कभी वातावरण इतना बेकार हो रहा है ना आने का दिल ही नहीं कर रहा। अभी देखो कितना बढ़िया वातावरण है, ऐसा वातावरण रहना चाहिए डेली का, ठंडा वातावरण है एकदम, तो बहुत बेकार। 6:30 बजे इतना जैसा कि लग रहा है कितना 10 बजे जैसा लग रहा है। अभी अपना है 6:30 बजे फिर भी वातावरण एकदम मस्त है, ऐसा डेली रहना चाहिए तो मज़ा आएगा आने के लिए। चला तर मग आलो आपण आपल्या जिममध्ये। काल बॅक मारलं होतं, आज शोल्डर आणि लेग्स दोन्ही सोबत मारू था। चला तर मग चालू करू था, पहिले थोडं 10-15 मिनिट ना एक्सरसाइज करायचं, हात पाय वगैरे हलवायचं, हे ते करायचं, डिप्स मारायचं, नंतर मग आपलं सुरुवात करायची। चला तर मग मारूया शोल्डर आणि लेग्स। लेग्स चालू करी शोल्डर, सबसे पहले ये वाली मशीन मारना है, वेट लगाएंगे, पहले 10 लगाएंगे फिर बढ़ाएंगे। एक साइड को 100, एक साइड को 100, 25 किलो का एक साइड है, बल टोटल 200 किलो।
ये एक सेटअप मारा लेग्स के लिए, शोल्डर के ऊपर लेने का और उठक बैठक करने का, दस के तीन सेटअप मारने का और दो मशीन मारेंगे, ज़्यादा लेग्स वगैरह नहीं मारना है। चलो देखो ये दो मशीन मारे लेग्स के लिए, एक दो, टोटल तीन सेटअप हुए लेग्स के लिए। चलो तो फिर आज जुम्बा है, थोड़ा डांस वगैरह करेंगे। चलो तो बाहर बरसात आ रही है और ऊपर डांस चालू, हमारा जुम्बा वगैरह चालू है। देखो कितना बड़ा मज़ा आ रहा है, चलो तो करते हैं डांस। देखो बरसात कितनी बढ़िया हो रही है। अभी अपना जुम्बा हो गया एक घंटे के लिए, अभी हम निकलना बोल रहा हूँ तो अभी मेरे को तो भीगते ही जाना पड़ेगा लग रहा है ऐसा। चलो तो निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, कल संडे है, मिलेंगे परसों, बाय।